हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेस। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में है पीडियाट्रिक नर्सिंग इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ अ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो पीडियाट्रिक नर्स एक ऐसी ब्रांच है, ये अपने आप में ही एक स्पेशलाइज्ड नर्सिंग है। ठीक है, इट इज कंसर्निंग द केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टिल एडोलेसेंट। तो इस पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम किन लोगों का केयर करते हैं? उन बच्चों का केयर करते हैं फ्रॉम कंसेप्शन, जब मदर कंसीव करती है तब से लेकर बच्चे की टिल एडोलेसेंट 18 ईयर्स की एज तक हम बच्चों को जो केयर प्रोवाइड करेंगे, जो कंसर्न प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे पीडियाट्रिक नर्सिंग में आएगा। इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चाइल्ड। इसमें हमारा प्रिवेंटिव, फिर प्रमोटिव एंड लास्ट वन इज द क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चाइल्ड हम प्रोवाइड करते हैं। द पीडियाट्रिक नर्सेज इन्वॉल्व इन गिविंग असिस्टेंस केयर। तो हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या आता है, इसमें ये एक्टिविटीज आती है, गिविंग असिस्टेंस केयर एंड सपोर्ट टू द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग चाइल्ड टू अचीव देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर फंक्शनिंग विद द फुलेस्ट कैपेसिटी। ठीक है, जिसमें हम बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसका पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ताकि वो बच्चा अपना पूरा जो पोटेंशियल है उसको यूज करके अपना जो भी चीज है उसको अचीव कर सके। फिर इसके बाद हमारा है रोल ऑफ नर्सेस। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स है, सबसे पहला इट कंसर्न्स विद बोथ केयरिंग एंड क्योरिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा केयर भी करती है पीडियाट्रिक नर्स और क्योर भी करती है, मतलब अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिजीज हो गई, कोई डिसऑर्डर हो गया, तो उससे क्योर भी करेगी। केयरिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन बोथ इलनेस एंड वेलनेस। केयरिंग हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है हमारा इलनेस और वेलनेस दोनों में। क्योरिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट यूजिंग यूजली ड्यूरिंग इलनेस। तो हमारा क्योरिंग क्या होता है, क्योरिंग में हमारा डायग्नोस करना और मैनेजमेंट करना बच्चे का, उसकी बीमारी का ड्यूरिंग द इलनेस पीरियड। देन पीडियाट्रिक नर्सेज हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल। तो पीडियाट्रिक नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है बच्चों को हॉस्पिटल में, होम क्लिनिक्स में, स्कूल्स में और कम्युनिटी में। ऐसे एरियाज हैं ये चारों जहाँ पे बच्चे मिलते हैं हम लोग को। द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू वन इंस्टीट्यूशन टू अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब पीडियाट्रिक नर्स का जो रोल होगा वो वेरी करेगा, समहाउ डिफरेंट होगा एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में। फिर हमारा क्वालिटीज ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। क्वालिटीज ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में क्या है, कि क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए अगर वो पीडियाट्रिक नर्स है। पहला है बी अ लविंग पर्सन एंड हैव लाइकिंग फॉर द चिल्ड्रन। तो उसको थोड़ा लविंग पर्सन होना चाहिए और बच्चों को वो अंदर से थोड़ा पसंद करती हो। ठीक है, हैव पेशेंस, प्लीजेंट अपीयरेंस एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बिहेवियर। उसमें पेशेंस होना चाहिए थोड़ा, प्लीजेंट अपीयरेंस होनी चाहिए, मतलब देखने में थोड़ा प्लीजेंट पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बिहेवियर। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए एक बच्चे के बिहेवियर को पहचानने का, अंडरस्टैंड करने का। बी एबल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द चिल्ड्रन। और वो अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के रखे और बच्चे को पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बी फ्रेंडली, हॉनेस्ट, जेंटल, डेलीगेंट एंड ह्यूमरस। ठीक है, एक पीडियाट्रिक नर्स को बहुत फ्रेंडली इन नेचर होना चाहिए, हॉनेस्ट होनी चाहिए अपने काम के लिए, सबके लिए, जेंटल होना चाहिए, डेलीगेंट एंड ह्यूमरस। Have good observational, judgmental and communication ability based on scientific knowledge and experience. तो उस नर्स को observational skills उसका काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हर चीज बताते नहीं है, हमको observe करनी होती है, इसीलिए judgmental quality होनी चाहिए उसका। communication skill उसकी अच्छी होनी चाहिए बच्चों के साथ, और वो जितना भी कुछ काम करे तो behind that साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शुड इन्वॉल्व। ठीक है, वो कुछ भी काम करती है तो उसके पीछे उसको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ, और उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बी वेल इन्फॉर्म, स्किलफुल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। तो वो जो नर्स होगी, पीडियाट्रिक नर्स, वो इन्फॉर्म्ड होगी, स्किलफुल होगी, उसके अंदर स्किल्स होंगी, रिस्पॉन्सिबल होगी अपने काम के लिए, ट्रुथफुल मतलब सच बोलेगी हमेशा, और ट्रस्टवर्दी भरोसे करने लायक होनी चाहिए। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर। अब रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन चाइल्ड केयर है,
रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. जो हमारा रोल है पीडियाट्रिक नर्स का वो चेंज होता रहता है. दीज चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिंग मेडिकल एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस. और वो रिजल्ट और पीडियाट्रिक नर्स का रोल इसलिए चेंज होता है क्योंकि जिस हिसाब से हमारा मेडिकल में और हमारा नर्सिंग प्रैक्टिसेस में इतना चेंज आ रहा है, इतना वेरिएशन आ रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो इसके हिसाब से पीडियाट्रिक नर्स का भी जो रोल है वो भी चेंज होता रहता है. ठीक है, इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड केयर. अब अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग बच्चों की केयर करते हैं. कंज्यूमर डिमांड्स एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, इन सब पे इसीलिए ये सब चीजें आ रही है हमारे पास नई नई, इसीलिए हम लोग का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है पीडियाट्रिक नर्सेस का. सेकेंड है, द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स में वेरी फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन सेम. तो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स है, पीडियाट्रिक नर्स का जो रोल है वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में चेंज होगा क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी बट वो सेम रहेगी, लेकिन रोल थोड़ा बहुत चेंज होगा. फिर है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेज आर एक्सटेंडेड रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स. हमारे टू टाइप्स के रोल्स होते हैं, एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंडेड. तो हमारा जो एक्सटेंडेड है उसमें है प्राइमरी केयर गिवर, कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर, एडवोकेट, हेल्थ एजुकेटर, कंसल्टेंट, काउंसलर, केस मैनेजर, रिक्रिएशनिस्ट, सोशल वर्कर, ठीक है, और रिसर्चर. अब जैसे मैंने आपको नॉर्मली लिस्ट डाउन बताया सब इकट्ठे, अब इसमें से एक एक करके मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि प्राइमरी केयर गिवर का काम क्या है, पीडियाट्रिक नर्स शुड प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर टू द चिल्ड्रन. ठीक है, जो पीडियाट्रिक नर्स हमारी है वो प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर. प्रिवेंटिव मतलब कि बच्चा को किसी भी तरीके का रिस्क ना हो, उसको कोई भी तरीके का डिजीज ना हो, वो आएगा हमारा प्रिवेंटिव में. प्रमोटिव में उसका जो हेल्थ है, उसका हेल्दी स्टेटस है, उसको मेंटेन करके रखना, वो आएगा प्रमोटिव में. क्यूरेटिव मतलब अगर उसको कोई डिजीज है तो उसको जल्दी क्योर करना है, ठीक है, वो एक्यूट है तो उसको क्रॉनिक नहीं होने देना. और रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन में आएगा कि अभी क्रॉनिक डिजीज हमारे बच्चे को हो गई है तो हमको अब उसको रिहैबिलिटेट करना है, ठीक है, उसकी जो अक्षमताएं हैं उसको कम करना है या उसको रोकना है. सेकेंड है केयर इन ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ services as therapeutic agent. She act as a case finder. She includes providing comfort, feeding, bathing and safety etc. ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी केयर में आएगा कि वो बच्चे को प्रॉपरली कम्फर्ट प्रोवाइड करेगी, फीडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है, फीड प्रोवाइड करेगी, बाथिंग नहलाएगी बच्चे को, सेफ्टी प्रोवाइड करेगी. और भी अब हमारा हेल्थ असेसमेंट एंड इम्यूनाइजेशन इज अ प्राइमरी केयर इन द कम्युनिटी. तो हेल्थ असेसमेंट और इम्यूनाइजेशन है, प्रॉपर वैक्सीनेशन है, ये हमारा प्राइमरी केयर ऑफ कम्युनिटी में इन्वॉल्व होता है. हेल्थ एजुकेटर वो कैसे ये वाला रोल करेगी हेल्थ एजुकेटर में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द नर्स टू डिलीवर प्लान्ड एंड इंसिडेंटल हेल्थ केयर टीचिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट. तो एक नर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो एक प्लान्ड और इंसिडेंटल हेल्थ केयर टीचिंग प्रोवाइड करे. मतलब प्लान्ड मतलब हम ऑलरेडी प्लान करके आए, और इंसिडेंटल मतलब मैं किसी जगह गई हूँ, मैंने वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करा है, वहाँ की कंडीशन को ऑब्जर्व करा है, और उसके बाद मैंने उनको हेल्थ एजुकेशन दी है. तो ये हमारा इंसिडेंटल में आएगा. इट इज गिवन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ चेंज इन बिहेवियर हेल्थ बिहेवियर. ठीक है, तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों में, ठीक है, बच्चों के पेरेंट्स में, ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को तरफ जाएं और उसको पूरा प्रॉपरली मेंटेन करके रखें, ताकि उनका जो हेल्थ को लेकर जो बिहेवियर है अगर वो नेगेटिव है तो वो चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए. टू ब्रिंग चेंज इन एटीट्यूड एंड डेवलप हेल्थफुल प्रैक्टिस. To bring change in attitude and to bring helpful practices regarding child care. तो हमारे जो बच्चा है हम उसको properly उनका जो family का, क्योंकि बच्चा तो हमारा health education को समझ नहीं पाएगा, तो हमारी पूरी family का अच्छे से हम लोग जो attitude है उसको change करना है. जैसे पहले negative attitude था उनका child की care को regarding, उसका जो हम child care में जो practices है उसके regarding, तो उसको हमको positive में change करना है. और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम health education देकर ही change कर सकते हैं बच्चे का.
फिर उसके बाद है नर्स एज अ काउंसलर. नर्स काउंसलर में कैसे हेल्पफुल होगी, टू हेल्प द पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर फॉर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इन डिफरेंट सिचुएशन. इसमें जो नर्स है वो फैमिली को और पेरेंट्स को हेल्प करेगी ताकि वो लोग इंडिपेंडेंटली जो भी डिसीजन है बच्चे की हेल्थ से लेकर वो अलग अलग सिचुएशंस में खुद ही ले, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले, खुद किसी के जोर पे ना ले, ठीक है. सेकेंड है टीच देम अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अप्रोच. उन लोगों को, उनके पेरेंट्स को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अप्रोच उनको सिखाने की, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है. फिर है हमारा सोशल वर्कर. सोशल वर्कर में है ट्राई टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ. जो बच्चे की हेल्थ के रिगार्डिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करना है. पार्टिसिपेट इन अवेलेबल सोशल सर्विसेज, ठीक है, जो भी सोशल सर्विसेज हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है नर्स को भी. कैन रेफर चाइल्ड एंड फैमिली फॉर नेसेसरी सोशल सपोर्ट फ्रॉम चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी. अगर आपको लगता है कि बच्चे के साथ कोई तरीके का एब्यूज हुआ है या फिर बच्चे को कोई तरीके का सोशल सपोर्ट चाहिए, तो एक नर्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को, उसकी फैमिली को वहां से उठा के हम लोग चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी में रेफर कर सकते. फिर है टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर. एक नर्स को टीम को कोऑर्डिनेट, मतलब एक पूरी टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके काम करना है, अकेले से नहीं करना काम कभी भी. पीडियाट्रिक नर्स शुड वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स टुगेदर टूवर्ड्स बेटर चाइल्ड हेल्थ केयर, ताकि वो बच्चे की जो अच्छी बेटर हेल्थ है उसकी तरफ जा सके. मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स. और भी जो हेल्थ केयर मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं सोचना कि ये तो लैब के हैं, एक्सरे के हैं, ऐसा नहीं सोचना. हर किसी के साथ मिलके हमें अच्छे रिलेशनशिप बनाकर पूरे टीम की तरह काम करना है बच्चे के हेल्थ को और अच्छा करने के लिए, ठीक है, क्योरिंग पर्पस के लिए. द नर्स इंटरप्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर टू फैमिली एंड कोऑर्डिनेट्स नर्सेस सर्विसेज एंड सर्विसेज नेसेसरीली फॉर द चाइल्ड. तो नर्स को स्टार्टिंग में बच्चे को देख के अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लेने चाहिए और उसको हमें फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है और नर्सिंग केयर सर्विसेज हैं उसके साथ शेयर करना है. और अगर बच्चे के साथ अगर हम और कुछ सर्विसेज इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं. कॉपरेशन एंड गुड कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स शुड बी प्रमोटेड बाय नर्सेज. तो कॉपरेशन है और गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम मेंबर्स के बिटवीन, ठीक है, और ये भी हमारा नर्स कर सकती है बस. मैनेजर, मैनेजर में है द पीडियाट्रिक नर्स इज द मैनेजर फॉर द पीडियाट्रिक केयर इन हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड कम्युनिटी. एक नर्स को, एक पीडियाट्रिक नर्स को मैनेजर की तरह भी काम करना होता है पीडियाट्रिक केयर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल्स में और कम्युनिटी में. शी शुड ऑर्गेनाइज द केयर ऑर्डरली फॉर सक्सेसफुल आउटकम विद बेटर प्रोग्नोसिस एंड गुड हेल्थ. तो एक नर्स को जितना भी केयर है बच्चे की उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में रखना है ताकि वो बच्चे का जो प्रोग्नोसिस है उसको अच्छे से डील कर सके और बच्चे को गुड हेल्थ की तरफ ले जाए. फिर है हमारा चाइल्ड केयर एडवोकेट. चाइल्ड केयर एडवोकेट में है चाइल्ड और फैमिली एडवोकेसी एंड बेसिक एस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली सेंटर्ड केयर. तो हमें बच्चे को फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करनी है जिसमें हमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है. एज एन एडवोकेट द पीडियाट्रिक नर्स कैन असिस्ट द चाइल्ड टू ऑब्टेन द बेस्ट केयर पॉसिबल फ्रॉम द पर्टिकुलर यूनिट. अब बच्चे का हम चाइल्ड केयर एडवोकेट की तरह काम कर रहे हैं तो हमें जितना हो सके उतना बच्चे की केयर को बेस्ट प्रोवाइड करना है हर यूनिट से, ठीक है, ये हमारे दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमेशा. रिक्रिएशनिस्ट, रिक्रिएशनिस्ट मतलब द सपोर्टिव रोल ऑफ नर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू एडजस्ट द क्राइसिस इम्पोज बाय इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन. जैसे जब हम लोग ही बड़े लोग हैं, हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं, किसी बीमारी में जाते हैं, तो हमें खुद ही नहीं पसंद हॉस्पिटल में एडमिट होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, ठीक है. लेकिन जो बच्चे होते हैं उन लोग को तो कुछ पता भी नहीं है और हम एकदम से उनको कोई बीमारी हो गई तो या फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए, तो इसमें क्या होता है बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, उनका मैनेज नहीं हो पाता है, ठीक है, तो क्राइसिस हो जाती है उनको उस टाइम पे. तो एक पीडियाट्रिक नर्स का रोल है कि उसको वो और तरीके, मतलब वो जो क्राइसिस वाला जो टाइम है उसको उससे बाहर निकाले, ठीक है, और फिर क्या करें उसको प्रॉपरली उस हॉस्पिटल में एडजस्ट होने के लिए एनवायरमेंट प्रोवाइड करें. शी कैन ऑर्गेनाइज प्ले एक्टिविटी फॉर रिक्रिएशनल एंड डाइवर्जन फॉर चाइल्ड इमोशन इमोशनल आउटलेट. तो इसमें वो क्या कर सकता है, अलग अलग प्ले हैं, ठीक है, वो या फिर एक्टिविटीज है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वो प्रोवाइड कर सकती है बच्चे को
ठीक है, और भी डाइवर्जनल एक्टिविटीज है, डाइवर्जनल इमोशंस है, वो भी बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं. नर्स कंसल्टेंट, नर्स कंसल्टेंट में क्या है, नर्स कैन एक्ट एज अ कंसल्टेंट टू गाइड द पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स फॉर मेंटेन एंड प्रमोट ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंटिव ऑफ चाइल्डहुड इलनेस. तो नर्स एक कंसल्टेंट की भी तरह काम करेगी, जैसे कि वो बच्चे की फैमिली को, उसके पेरेंट्स को, ठीक है, वो अच्छे से कंसल्ट करेगी कि हम कैसे, आप लोग घर जाके बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं, उसका हेल्दी वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं, उसको बचपन में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई बीमारी ना हो, इस चीजों को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमारा सारा नर्स कंसल्टेंट में आएगा. सेकेंड है, द नर्स कैन हेल्प द ओल्डर चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस. ठीक है, तो नर्स हेल्प करेगी बड़े बच्चों का जो एडोलेसेंट वाली एज में आ जाएगा, कि वो कुछ भी एक्शन कर रहे हैं अगर, तो वो उसके लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल है, ये भी उनको रियलाइज करना सिखाएगी एक नर्स कंसल्टेंट की तरह. फिर है हमारा रिसर्चर. रिसर्चर, नर्सिंग रिसर्च इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग. नर्सिंग रिसर्च हमारा इंटरनल पार्ट है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है प्रोफेशनल नर्सिंग का. ठीक है, पीडियाट्रिक नर्स पार्टिसिपेट और परफॉर्म रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ. जो पीडियाट्रिक नर्स है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और खुद से भी इंडिविजुअल रिसर्च परफॉर्म करनी चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने चाहिए, ऐसे जो बच्चों से रिलेटेड हो. ठीक है, क्लिनिकल एंड अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड द बेसिस ऑफ चेंजेस इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूवमेंट. तो क्लिनिकल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्चेस हैं, ये हेल्प करेंगी नर्सिंग को कि वो अपनी जो प्रैक्टिस है, जो अपना बच्चे के लिए जो केयर प्रोवाइड कर रही है, वो उसको और इम्प्रूव कर सके. ठीक है, इन द हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन. फिर है कि वो सब था हमारा एक्सटेंडेड रोल ऑफ नर्स. अब है हमारा एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स. एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स में पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर, एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर, एडवांस पीडियाट्रिक नर्स सॉरी, फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर न्यूनेटल नर्स प्रैक्टिशनर. ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड रोल है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर क्या है. पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर है, दे आर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु डेडिकेटेड टू इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ केयर बाय वर्किंग विद पीडियाट्रिशियन एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स. तो ये ऐसे नर्सेज हैं, ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो हम बच्चे की हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए, जो बच्चे के डॉक्टर हैं जिनको हम पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, उनके साथ मिलके या है और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ मिलके बच्चे को अच्छी केयर प्रोवाइड करेंगे, पूरा डेडिकेट हो जाएंगे उस काम में. ठीक है, ताकि हम बच्चे के हेल्थ को और इम्प्रूव कर सके. परफॉर्म रूटीन डेवलपमेंटल सर्विस. ठीक है, रूटीन वाइज हम डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे बच्चे को. डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, ट्रीट कॉमन चाइल्डहुड इलनेस बाय परफॉर्मिंग स्कूल फिजिकल एग्जामिनेशन. और हम बच्चे का डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे चाइल्डहुड इलनेस, मतलब बचपन में उसको जो इलनेस होगी वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग रेगुलर स्कूल फिजिकल एग्जामिनेशन. मतलब स्कूल में रेगुलर टाइम में, हर 6 मंथ में, हर 1 ईयर में जाकर स्कूल में प्रॉपरली बच्चे का फुल बॉडी चेकअप करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, ताकि हमें उसी समय पता चल जाए कि बच्चे को कोई चाइल्डहुड इलनेस है या नहीं. अगर है तो हम उसको डायग्नोस करें, फिर ट्रीट करें, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात, हम उसको और प्रमोट करें उस हेल्दी लाइफस्टाइल को. फिर है प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. बच्चे को बचपन में हमें प्रॉपरली प्रॉपर डोज में जितना भी शेड्यूल है प्रॉपरली हमें इम्यूनाइज करना है, इंजेक्शन डालना है बच्चे को. प्रोवाइड गाइडेंस टू द पेरेंट्स. ठीक है, और बच्चे के जो पेरेंट्स है उसको गाइड करना है. फिर है हमारा सेकेंड, एडवांस पीडियाट्रिक नर्स. एडवांस पीडियाट्रिक नर्स कैसी है, ग्रेजुएट ऑफ द प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन. ठीक है, ऐसी नर्स जिसने ग्रेजुएट करा हो स्पेशलाइज इसी एरिया में, पीडियाट्रिक, एडवांस पीडियाट्रिक नर्स में. टू प्रोवाइड एडवांस नर्सिंग हु विल प्रमोट द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एज इंडिविजुअल एंड एज पॉपुलेशन. ठीक है, एडवांस पीडियाट्रिक नर्स का रोल क्या है, वो प्रमोट करेगी हेल्थ को और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को और एडोलेसेंट को एक इंडिविजुअल लेकर या फिर एज अ पॉपुलेशन की तरह लेकर. ठीक है, ताकि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़नी रहे, जितना भी वो एडवांस तरीके से कर सकती है वो करेगी. थर्ड है टू प्रमोट एक्सपर्ट क्लिनिकल केयर टू मीट द स्पेशलाइज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, वो प्रॉपरली क्लिनिकल केयर बच्चे को प्रोवाइड करेगी अच्छे हर एस्पेक्ट में, बिकॉज उसने एडवांस पीडियाट्रिक नर्सिंग कर रखी है. ठीक है, और बच्चे को क्या है,
मतलब अगर उसको किसी तरीके की फिजियोलॉजिकल नीड है बॉडी की, वो प्रोवाइड उसको करेगी, कोई साइकोलॉजिकल नीड है बच्चे को, तो वो भी उसको प्रोवाइड करेगी। फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर का काम है प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड केयर, ठीक है। कम्युनिटी में जा जाकर बच्चे को केयर प्रोवाइड करना, वो फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर का काम है। सेकेंड है प्रोवाइड हेल्थ केयर टू इंडिविजुअल अक्रॉस द लाइफ स्पैन एंड देयर फैमिलीज। बच्चे को उसकी पूरी लाइफ स्पैन में इंडिविजुअल को और फैमिली को हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट एज स्पेसिफिक क्वालिटी केयर, एज के हिसाब से उस फैमिली में उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को जाके केयर प्रोवाइड करना। फिर है क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट क्या होगी, एक्ट एज अ रिसर्चर, ये एक रिसर्चर की तरह काम करेगी टू वैलिडेट नर्सिंग ऑब्जर्वेशन, एक नर्सिंग की जो ऑब्जर्वेशन है उसको वैलिडेट करने के लिए। इंटरवेंशन टू चेंज एजेंट विद इन हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। क्रिटिकल केयर नियोनेटल नर्स। अब क्रिटिकल केयर नियोनेटल नर्स ऐसी नर्स होगी जो क्रिटिकल केयर मतलब सीसीयू में काम करेगी और नियोनेटल सीसीयू में काम करेगी, ऐसी नर्सेस को हम क्रिटिकल केयर न्योनेटल नर्स बोलेंगे। ऐसी नर्स हमारे थियोरेटिकली और टेक्निकली दोनों तरीके से स्किलफुल प्रिपेयर होगी बच्चे को अच्छी केयर देने के लिए। अब है न्योनेटल नर्स प्रैक्टिशनर। न्योनेटल नर्स प्रैक्टिशनर है इन द निक्कू, ठीक है। निक्कू मतलब न्योनेटल आईसीयू में। इट इज अ एसेंशियल टू प्रोवाइड हाई डिजायरेबल क्वालिटी केयर विद 24 आवर्स कवरेज फॉर ईच ऑफ देयर रोल्स, ठीक है। तो निक्कू है हमारा बच्चों का जो आईसीयू है, इसमें एक नर्स को क्वालिटी बच्चे को पूरे 24 घंटे हर टाइम बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर रखना, प्रॉपर क्वालिटी में उसको केयर प्रोवाइड करना, ये हमारा न्योनेटल नर्स प्रैक्टिशनर का काम है। द वन इज कैपेबल फॉर एनएनपी। एनएनपी मतलब न्योनेटल नर्स प्रैक्टिशनर हु हैज पास्ड, वो इंसान वो नर्स, ठीक है, वो ब्रदर कैपेबल है एनएनपी बनने के लिए जिन्होंने पास करी हो अपना बीएससी या एमएससी डिग्री विद न्योनेटोलॉजी एज स्पेशलिटी, ठीक है, जिनका स्पेशलिटी न्योनेटोलॉजी होगी और उन्होंने उससे बीएससी या एमएससी अपनी खत्म करी होगी, तो इससे वो लोग न्योनेटल नर्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए कैपेबल है। या फिर एनी बीएससी नर्स, कोई भी बीएससी नर्स हु हैज अंडरटेकन स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन नियोनेटल केयर, जिन्होंने बीएससी के बाद अपना नियोनेटल केयर में स्पेशलाइजेशन करा होगा एंड हैज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, और वो प्रैक्टिकल केयर अपना न्यूबॉर्न को प्रोवाइड कर सकती है फॉर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब है इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। अब क्या क्या हमारा पीडियाट्रिक नर्स के जो रोल है वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। सबसे पहला एक्टिव केयर सेटिंग, जनरल हॉस्पिटल यूनिट्स, नॉर्मल हॉस्पिटल यूनिट्स में भी हमारा अलग से पीडियाट्रिक वार्ड होता है, पीडियाट्रिक नर्स फ्लोर होती है जिसमें हमारे बच्चे ही रहते हैं, तो वहां पर दे कैन ऑल्सो वर्क। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू, जैसे नियोनेटल आईसीयू होते हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक आईसीयू होते हैं वहां पर। सर्जिकल यूनिट्स, पोस्ट एनेस्थेटिक एनेस्थीशिया केयर यूनिट्स, एमरजेंसी केयर फैसिलिटीज, ठीक है, इन सब जगहों में हमारा नर्स पीडियाट्रिक नर्स काम कर सकते हैं। क्लिनिक एंड फिजिशियन ऑफिस, होम हेल्थ एजेंसीज में, स्कूल्स में, बच्चों के समर कैंप्स में एंड डे केयर सेंटर्स में। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर और लॉन्ग केयर फैसिलिटीज, साइकियाट्रिक सेंटर, रेस्पाइट केयर प्रोग्राम्स, हमारे यहाँ पर पीडियाट्रिक नर्स काम कर सकते हैं।